दोस्तों, आज विश्व के कई देश एक खतरनाक वायरस से जूझ रहे हैं और वो है कोरोना वायरस। इस खतरनाक वायरस की चपेट में दुनिया भर के कई देश आ चुके हैं और उनमें से एक भारत भी है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां इस वायरस का बुरा असर आर्थिक क्षेत्र में देखने को मिला है, तो वहीं इस वायरस का फिल्मी मैदान में भी एक बड़ा धक्का लगा है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते कई फिल्म मेकर्स को नुकसान का मुंह देखना पड़ रहा है और इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म है बागी 3। तो अब ऐसे में इस फिल्म को रीलॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आपको एक बार फिर टाइगर श्रॉफ का एक्शन देखने को मिलेगा और फिल्म में हमें कई चेंजेस भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिल्म बागी 3 6 मार्च 2020 को बड़े पर्दे पर प्रसारित की गई थी, जिसे डायरेक्ट किया था अहमद खान ने। आपको बता दें कि जब ये फिल्म रिलीज नहीं की गई थी, तब इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर ने अपने एक्शन से भरपूर सीन्स के जरिए लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होने के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उस तरीके का धमाल नहीं मचाया जिसकी फिल्म मेकर्स को उम्मीद थी। बॉक्स ऑफिस के मुताबिक टाइगर की फिल्म बागी 3 ने छठे दिन 7.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। जिस हिसाब से फिल्म में हमें एक्शन और स्टंट्स का डबल डोज देखने को मिला, उस हिसाब से फिल्म का कलेक्शन काफी कम बताया जा रहा है। और अब तो फिल्म डायरेक्टर अहमद खान ने भी इसका खुलासा किया है। इनका मानना है कि कोरोना वायरस की वजह से फिल्म कलेक्शन में भारी धक्का लगा है। ये तो सच है कि कोरोना वायरस का कहर देश भर में फैला हुआ है, जिसके कारण इस वायरस से काफी लोग प्रभावित हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में बागी 3 के डायरेक्टर अहमद खान ने एक अनाउंसमेंट की है और उन्होंने इस अनाउंसमेंट के जरिए बताया है कि बागी 3 को फिर से रीलॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक बार फिर हमें टाइगर का दमदार एक्शन और स्टंट्स देखने को मिलने वाले हैं। जी हां, सही सुना आपने, फिल्म बागी 3 के डायरेक्टर एक बार फिर फिल्म बागी 3 रीलॉन्च करेंगे और इस बार फिल्म को एक नई कहानी के साथ पेश किया जाने वाला है और फिल्म में हमें टाइगर के और भी कई जबरदस्त एक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसके साथ फिल्म में हमें नए सॉन्ग्स भी नजर आने वाले हैं, जो कि जल्द ही फिल्म के ट्रेलर के साथ लॉन्च कर दिए जाएंगे। वेल, अब देखना ये होगा कि फिल्म बागी 3 पहले के हुए कलेक्शन को तोड़ पाती है या नहीं। इस फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान का कहना है कि इस फिल्म के रीलॉन्च के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। अब ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म में हमें कई बदलाव देखने को मिलने वाले हैं और एक नए ट्विस्ट के साथ। तो ऐसे में टाइगर के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बागी 3 को एक बार फिर लॉन्च किया जाएगा तो बागी 3 का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना पाएगा या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।